नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पेंशन का पैसा कैसे चेक करें। जैसा कि दोस्तों आपका अगर वृद्धा पेंशन है या निराश्रित महिला पेंशन है या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है, तो आप किस तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा चेक करेंगे। जैसा कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सभी का पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है। जैसा कि वृद्धा अवस्था पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन का पैसा तो आ ही रहा था सभी का, लेकिन अब जो है निराश्रित महिला वालों का भी पेंशन आना शुरू हो चुका है। निराश्रित महिला पेंशन का पैसा आना शुरू हो गया है। अगर आप अपना पेंशन का पैसा, विधवा पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही अपना पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दो प्रोसेस दिखाने वाला हूं, आप ओटीपी डाल के कैसे अपना पैसा चेक करेंगे और अपना पैसा बिना ओटीपी के ही कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको दो प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों अपना पेंशन का पैसा चेक करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि आप ओटीपी डाल के अपना पेंशन का पैसा कैसे चेक करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको सिंपली उस पर डाल देना है PFMS। इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस कर देना है और आपको सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है जो लिखा होगा PFMS.NIC.IN। आपको सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नाउ योर पेमेंट्स, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि ऊपर लिखा होगा पेमेंट बाई अकाउंट नंबर, आप जो है यहाँ से अपने अकाउंट नंबर से आप ओटीपी डाल के अपना पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अपने बैंक का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसा कि नीचे लिखा होगा नोट में, एंटर फर्स्ट फ्यू करेक्टर आप बैंक नेम, अपने बैंक का नाम यहाँ पर कुछ वर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसा कि आपका बैंक अगर स्टेट बैंक है तो आप स्टेट जैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो स्टेट बैंक के नाम से यहाँ पर पूरा बैंक शो होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट के नाम से यहाँ पर पूरा बैंक शो होके आ रहा है। अगर आपका बैंक का बड़ौदा है तो आप यहाँ पर बड़ौदा जैसे यहाँ पर डाल देंगे बड़ौदा, तो यहाँ पर बड़ौदा के नाम से पूरा बैंक शो होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का बड़ौदा सबसे फर्स्ट पे ही शो होके आ रहा है। तो आपका जो भी बैंक का नाम हो, अपने बैंक का नाम यहाँ पर कुछ वर्ड डाल के आपको अपने बैंक का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर सिंपली फिल कर देना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर हो अपना अकाउंट नंबर सिंपली यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद में आपको कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा आपको यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद में आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर, जैसा कि आपके मोबाइल नंबर का तीन वर्ड लास्ट में शो हो रहा है और दो वर्ड यहाँ पर फर्स्ट में शो हो के आ ही रहा है। और उसके बाद में अब आपको यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ही अपना ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आप वेरीफाई ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर पूरा डिटेल में शो हो के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर डेट शो हो के आ रहा है 25 मार्च 2023 को जो है पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप यहाँ पर डेट वगैरह पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि अभी 25 तारीख को ही आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर सेंड किया गया है। और यहाँ पर किस पेंशन का पैसा आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा होगा निराश्रित महिला पेंशन। निराश्रित महिला पेंशन का मतलब होता है विधवा पेंशन। अगर आपका विधवा पेंशन है तो यहाँ पर पेंशन का नाम यहाँ पर शो होके आ जाएगा। और अगर आपका वृद्धा पेंशन होगा तो यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन लिख के आ जाएगा। और अगर आपका विकलांग पेंशन होगा तो यहाँ पर विकलांग पेंशन लिख के आ जाएगा। तो आप इसी तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा चेक करिएगा, आप ओटीपी डाल के इसी तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। और जितना आया है आपके खाते में यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि 3000 रुपये जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर सक्सेस का भी ऑप्शन शो होके आ रहा है और डेट वगैरह यहाँ पर पूरा लिख के आ ही रहा है। जैसा कि जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 मार्च 2022 को ट्रांसफर कर दिया गया है। जो है जनवरी में एक बार 21 तारीख को पेंशन यहाँ पर भेजा गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3000 रुपया सक्सेस यहाँ पर लिख के आ ही रहा है। तो आप इसी तरह से जो है अपने ओटीपी से जो
है अपना पेंशन का पैसा अपने अकाउंट नंबर से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। और अब दोस्तों अपने पेंशन का पैसा बिना किसी ओटीपी के कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में आपका जो है मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है, आप अपना पेंशन का पैसा नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो आप बिना किसी ओटीपी के कैसे अपना पेंशन का पैसा चेक करेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना, इस वेबसाइट पे आ जाना है, जैसा कि इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा स्कीम चुने, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपका जो भी पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी आपका पेंशन हो, आप अपना पेंशन यहाँ से चूज कर लीजिएगा, उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अब आपको यहाँ से अपना जनपद, अपना जिला यहाँ से चूज करना है, आपका जो भी जिला हो अपना जिला यहाँ से चूज करना है। और चूज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल कर देना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपको यहाँ पर सिंपली फिल करना है। और उसके बाद में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कर लेना है, जैसा कि आपके मोबाइल में जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा हो आप उसी कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद में आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कुछ इस तरह का शो हो के आ जाएगा, और यहाँ पर लिख के आ जाएगा PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, यहाँ पर शो हो के आ जाएगा, और नीचे लिखा होगा आवेदन को भुगतान का विवरण, यहाँ पर लिख के आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल पूरा शो हो के आ रहा है कि आपके खाते में कितना किस्त ट्रांसफर किया गया है, आपके खाते में कितना पैसा पेंशन का भेजा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कि जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो मैंने जो है ओटीपी डाल के पेंशन का पैसा 3000 चेक करके दिखाया ना, वही पेंशन का पैसा बिना ओटीपी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये यहाँ पर पेमेंट रिलीज हुआ है, पेमेंट आपके खाते में पहुँच चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 रुपये जो है पेमेंट आ चुका है। और इसी तरह से जो है आप अपना पेंशन का पैसा, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके खाते में आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा तो आप बिना किसी ओटीपी के ही चेक कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपके अकाउंट में जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप जो है अपना ओटीपी डाल के, अकाउंट नंबर डाल के आप अपना पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर लीजिएगा। कि आप इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह पूरा यहाँ पर शो होके आ जाएगा, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है पेंशन का पैसा चेक किया जाता है। जैसा कि अभी विधवा पेंशन का पैसा डाला जा रहा है, आप इसी तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा चेक कर लीजिएगा। वृद्धावस्था और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का पैसा तो आना स्टार्ट काफी दिन पहले ही हो गया था, तो अगर आप अपना पेंशन का पैसा अभी तक नहीं चेक कर पाए तो आप इसी वीडियो के माध्यम से इसी तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।